हमीरपुर के गुरुद्वारा परिसर में कोरोना महामारी के चलते सादे समारोह में गुरु पर्व को मनाया गया। इस अवसर पर संगतों ने कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए गुरु पर्व में शिरकत की। इससे पहले सुबह के समय में गुरु पर्व के मौके पर प्रकाश दिवस पाठ शब्द कीर्तन किया गया। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हमीरपुर के ग्रंथी प्रकाश सिंह ने बताया कि गुरु पर्व के अवसर पर पहली बार गुरुद्वारा में कोरोना महामारी के चलते कार्यक्रम भव्य रूप से नहीं किया जा सका है, लेकिन फिर भी लोग माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हमीरपुर के ग्रंथी प्रकाश सिंह ने बताया कि गुरु पर्व के अवसर पर पहली बार गुरुद्वारा में कोरोना महामारी के चलते कार्यक्रम भव्य रूप से नहीं किया जा सका है, लेकिन फिर भी लोग माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर ही गुरुद्वारा में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही गुरुद्वारा परिसर में पहुंचने वाले हर भक्त को सैनिटाइज भी किया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। इस बार श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश दिवस है आज, और वैसे तो धूमधाम से मनाया जाता है गुरु पर्व, तो कोई भी धूमधाम से मनाया जाते हैं, लेकिन ड्यू टू कोविड जो है हमने यहाँ पे इस बारी लंगर का आयोजन नहीं रखा है, और संगत वैसे सुबह से आ रही है, और जितने जो भी लोग आ रहे हैं उनको पहले सैनिटाइज दे के सभी लोग सैनिटाइज करके अंदर माथा टेक के फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और मेन जो प्रोग्राम है अखंड पाठ भी रखा गया है, दुसरका में रखा गया है अखंड पाठ, यहाँ जगह की कमी होने की वजह से फिर लंगर की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ लंगर भी कम ही लोगों का रखा गया होगा, लिमिटेड ही है, क्योंकि इस बारी जो प्रशासन के आदेश है उनका अनुपालन करते हुए हमने यही रखा है कि क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा संगत हो जाती है, 5-6 हज़ार आदमी हो जाता है फिर हमें तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, और ऐसे प्रशासन के जो ऑर्डर हैं उसके अकॉर्डिंग उनका हम पालन भी करते हैं, तो इस वजह से हमने ये रखा है कि यहाँ इस बारी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हमीरपुर में प्रकाश दिवस का बाकी पाठ भी हुआ है। सुबह सुखमनी साहब का पाठ हुआ, 8:30 बजे श्री सुखमनी साहब पाठ के भोग पड़े हैं, लेकिन उसमें बस वही 2-4 आदमी थे। और गुरु पर्व तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की कुछ स्थिति इस टाइम जो है कोविड करके बहुत ख़राब है, इस वजह से हमने जो प्रशासन के ऑर्डर हैं और जो हम सभी लोग समझ रहे हैं कि इस ऐसी स्थिति में लंगर का और बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन करना जो है ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जो श्रद्धालु हो तो अपना मत्था टेकेंगे और गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं और गुरु की कृपा है। और मैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हमीरपुर की तरफ से सभी हमीरपुर वासियों, प्रदेश वासियों और पूरे भारतवर्ष के लोगों को हम इसका हार्दिक को शुभकामनाएं देते हैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिवस की, और भविष्य में गुरु महाराज से आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि ये जो COVID-19 जो चल रहा है, इस वर्ष ये पहली बार ऐसा हुआ है जो श्री गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हमीरपुर में ये प्रोग्राम नहीं हो पाया लंगर वाला, तो ये अगर गुरु की कृपा होगी तो अगले वर्ष ये सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरु महाराज की कृपा से, तो हम आगे फिर इसको निश्चित उसी तरीके से चालू रखेंगे जैसे पहले प्रोग्राम होता आया है। और आप लोग सभी हाजिर भर रहे हैं और महाराज की खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। माथा टेकने के लिए पहुंचे स्थानीय निवासी राजेश पठानिया ने गुरु पर्व की बधाई दी और गुरु नानक देव के दिखाए पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार गुरुद्वारा में कोरोना गाइडलाइन के तहत सभी भक्त जनों ने भी माथा टेका है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चेहरे पर मास्क लगाकर सभी नियमों का पालन भी किया है। मेरा नाम राजेश पठानिया, मैं स्थानीय निवासी हमीरपुर का हूँ। सबसे पहले तो गुरु पर्व के ऊपर प्रदेशवासियों देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि नानक देव जी के बताए हुए शांति प्यार के रास्ते पर चलें और इनका जो आशीर्वाद है वो सदा सबके ऊपर बना रहे। जैसे इन्होंने बताया, ठीक ही बताया कि जो प्रशासन की तरफ से जो बताया गया था उस हिसाब से थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा कम जनसंख्या में ऐसा हो तो वैसे इन्होंने मैनेज किया, और जैसे बताया कि तो सड़क में इन्होंने लंगर वगैरह का किया हुआ है, तो कमेटी ने अपने ढंग से ठीक ही उसकी व्यवस्था की है।